हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, दिव्य का मुकाबला उन ट्रीमेंस से होता है और यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए वे सभी उन पे अटैक करते हैं। इस पे अब उन ट्रीमेंस का लीडर वहाँ पे आता है और अपने साथियों के इस तरह हर्ट करने के कारण यहाँ दिव्य से वो कंपनसेशन मांगता है। इस पे दिव्य उनसे पूछता है कि तुम जैसे ट्रीमेंस और उस इविल आई टेरेंट के बीच आखिर क्या मैटर है, ये तुम अगर हमें बता दो तो हम तुम्हें कंपनसेट कर सकते हैं। इस पे अब उनका लीडर बताना शुरू करता है कि वो जो इविल आई टेरेंट है काफी ज्यादा इविल और पावरफुल है। उसने हमारे उसी ट्रेजर को ले लिया है जिससे हमारे ट्रीमेंस के जो लोग हैं अपने सर्वाइवल के लिए उसी ट्रेजर पे निर्भर करते हैं। उसने हमारे ट्रेजर्स पे कब्जा करने के साथ साथ हमें उस घाटी से भी बाहर निकाल दिया है। अब ये सुनते ही दुए शॉक रह जाता है कि उस घाटी में कोई ट्रेजर है, तो ये तो उसके लिए बोनस पॉइंट हो गया। वो लीडर उस ट्रेजर के बारे में बताता है कि वो एक फाउंटेन ऑफ यूथ है जिसके झरने से पानी पीते ही वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, लेकिन उस झरने का पानी सिर्फ इंट्रीमेंट पीपल के लिए ही इफेक्टिव है। सिर्फ इन्हें ही ये लंबी जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन उस झरने का पानी इतना इफेक्टिव है कि दूसरे मॉन्स्टर या दूसरे क्रिएचर्स उसको पी ले अपनी किसी भी तरह की इंजरीज को हील कर सकते हैं, चाहे वो मौत के कितने भी नजदीक क्यों ना पहुंच जाए। साथ ही वो पानी किसी के मैजिक पावर को भी स्टिमुलेट कर सकता है और उसे अपने एडवांस लेवल पे पहुंचा सकता है। सुनते ही दुए यहाँ काफी खुश होता है कि हो सकता है उसके मैजिकल लेवल से एडवांस हो जाए। दूसरी तरफ हम हुसैन को देखते हैं जो कि अपनी इंजरीज की हील करने के बारे में सोच रहा होता है। इसीलिए दुए यहाँ पे उनके सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर वो उस इविल आई टेरेंट को इनके सामने ले आए और वो उसे खत्म कर दे और उनके ट्रेजर को वापस से उन्हें दे दे, वो ट्रीमैन से इन्हें यहाँ से जिंदा बच के जाने देंगे। कि तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें उन्ही टेम्पल नाइट्स को देखते हैं जो कि हुसैन जो एक क्रिमिनल है उसकी हंटिंग करने के लिए इस फ्रोजन फॉरेस्ट में आए थे। उन्हीं के रास्ते को भटकाने के लिए वो ओल्ड मैन इनके पीछे जाता है। आगे वो नाइट्स उस जंगल में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि बहुत ही बड़ा आइस का तूफान आने वाला होता है। इसे देखते ही वे लोग वहाँ से तो वापस चले जाते हैं और अब हम उस ओल्ड जादूगर को देखते हैं। उन्हें जाता देख के कहता है कि भले ही ये आइस का जो तूफान है वो इन लोगों को तुम तक नहीं पहुँचने देगा, लेकिन जो डेस्टिनी ने तुम्हारे लिए तय किया है उसकी अरेंजमेंट अब हो चुकी है और वैसा होकर ही रहेगा। आगे हम उसी ईगल को देखते हैं जो कि अब भी दुए पे नजर रख रहा होता है और ये सारी बातें वो ओल्ड मैन को आके बताता है। आगे यहाँ सीन चेंज होता है और अब हम दुए को उस घाटी के अंदर जाते देखते हैं। जाते हुए उन ट्रीमैन का लीडर उनसे कहता है कि तुम्हारे इस कंपनसेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और भले ही तुम उस इविल आई टेरेंट को हरा पाओ या ना हरा पाओ, मैं तुम ह्यूमंस की इस तरह की काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा। आगे दुए उस घाटी को पार करते हुए एक जंगल में पहुंचता है। यहाँ पे हुसैन उसे कहता है कि ये वही जगह है जहाँ वो अरागन रोलैंड आया था। हमें यहाँ सतर्क रहना चाहिए और आगे जाके जरूर देखना चाहिए कि आखिर क्या मामला है। अब इतने में यहाँ डैनियल उन्हें बताता है कि जिस गोल्डन आई पैथन को वो ढूंढ रहा है शायद ये वही इविल आई टेरेंट है। इसी पैथन को हंट करने के लिए उस लिज रॉयल फैमिली ने तक काफी पैसे खर्च किए हैं। ये वो उसे एक ब्लैक क्रिस्टल से बनी हुई चीज को दिखाता है जो कि रॉयल फैमिली ने ही डैनियल को दी थी ताकि अगर उसका सामना उस गोल्डन आई वाले पैथन से हो जाता है तो वो स्टोन बनने से बच जाए। इस चीज को जैसे ही दुए देखता है वो तो कहता है कि अरे ये तो गॉगल्स है, ये लोग तो कोई और ही सदी के होते हैं इसलिए उन्हें गॉगल्स के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए वो उन चश्मों को डिफेंसिव वेपन की तरह ट्रीट करते हैं जो उन्हें गोल्डन आई पैथन के अटैक से बचाएगी। अब ये एक ही गॉगल उनके पास होता है जो डैनियल यहाँ दुए को दे देता है। इस बात पे दुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ अब वो डैनियल को अपना असली नाम बताता है। उसका नाम वॉकर नहीं बल्कि दुए है और उसने ये बात जानबूझकर उससे छुपाई थी और वो लियो फैमिली के महाराज रेमंड का एल्डर सन है। इस पे डैनियल उसे कहता है कि चाहे तुम दुए हो या वॉकर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे पूरी लाइफ टाइम के एक अच्छे दोस्त बन चुके हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं अब तक यहाँ जिंदा भी नहीं होता और यहाँ तक पहुँचने की तो बहुत दूर की बात है। तो आगे कुछ भी हो जाए वो उसका हमेशा साथ देगा क्योंकि डैनियल यहाँ पे दुए का एक बहुत बड़ा फेवर ओन करता है। फिर दुए ये कहते हुए कि अब तुम भी मेरे एक ऐसे दोस्त हो जिसकी फ्रेंडशिप लाइफ टाइम रहेगी। ये तीनों आगे मामला क्या है ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पे वहाँ पे उन्हें एक पैलेस दिखता है। पैलेस के अंदर जाने से पहले उन्हें एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है। वहाँ तक जाते हुए आसपास जितने भी लोग यहाँ पे उन्हें दिखते हैं वो सारे के सारे पत्थर बन चुके होते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद वे लोग अब उस गोल्डन आई पैथन के इलाके के एकदम नजदीक पहुँच चुके हैं। उस गेट पे उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इस इविल आई किंगडम टेरिटरी में आने के लिए। तो तुम लोगों को अपनी इस गलती सुधारने के लिए तुम्हें हमारे ग्रेट इविल आई किंग को अपनी आंखों को देना होगा। जिसपे यहाँ दुए से कहता है कि नहीं, हमें यहाँ अपनी आंखें काफी प्यारी हैं।
इसलिए इन्हें हमारे पास ही रहने दो, क्योंकि हम तुम्हारे उस इविल आई टैरेंट की ब्यूटी को देखना चाहते हैं। अब ये लोग ह्यूमंस होते हैं। इसके बारे में सुनते ही वो जो गेट कीपर होता है अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो इस किंगडम का प्राइम मिनिस्टर है। जितने भी ह्यूमंस यहाँ पे आए हैं, चाहे वो जितने भी स्ट्रॉन्ग थे, वे लोग मेरी इस बाइंडिंग टेक्निक को सह नहीं सकते थे। ये कहते हुए वो उसी टेक्निक को इन पे आजमाता है और चारों तरफ से एक फायर से इन्हें बाइंड कर देता है। इस पे दुई उनसे कहता है कि ये तो काफी लो लेवल की ट्रिक ये हम पे आजमा रहा है और मुझे लगा था कि ये उन ड्रीमैन जैसा फिजिकली अटैक करेगा हम पे, लेकिन ये तो मैजिक भी जानता है। अब यहाँ पे हुसैन ये कहते हैं कि क्या बेकार की ट्रैवल स्किल्स है, और एक झटके में ही उसके बाइंडिंग टेक्निक को काटते हुए गेट कीपर के जो दो सर होते हैं उनमें से एक सर को काट देता है, जिसे वो सर नीचे गिर के टूट जाता है और अब उसके अंदर से एक चूहा बाहर आता है। अब ये तीनों उसे घेर लेते हैं और यहाँ दुवे काफी हैरानी से उससे पूछता है कि एक चूहा, वो भी मैजिशियन और वो भी अपने एक वाइट रोब में। यहाँ दुवे को लग रहा होता है कि शायद यही वो चूहा है जिसने अपने आप को उस स्टोन मॉन्स्टर के अंदर डिस्गाइज किए हुए था ताकि वो उस गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सके। हुसैन उसे उठाते हुए कहता है कि यहाँ बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे सबसे पहले हम लोग मारेंगे और दूसरा नंबर उस इविल आई टैरेंट का होगा। इसमें वो चूहा यहाँ अपनी जान की भीख मांगने लगता है और उसे कहता है कि तुम तो हीरो जैसे लगते हो, तो मेरी जान यहाँ बख्श दो। जिसपे दुवे उसे कहता है कि बस एक रीजन बता दो जिससे हम तुम्हारी जान ना ले, मैं सिर्फ 3 गिनने का ही तुम्हें टाइम दूंगा और सही रीजन ना मिलने पर हम तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ पे दुवे जैसे ही गिनती शुरू करता है वो एक कहता है, फिर वो चूहा यहाँ जल्दी जल्दी बताने लगता है कि मेरी एक 80 साल की बीवी है और मेरा एक 30 साल का बेटा है। इस पे अब दुवे 2 गिनता है तो वो चूहा उसे बताता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं बहुत मुश्किलों के साथ एक डार्कनेस से लाइट की तरफ आया था, मैंने काफी हार्ड वर्क किया है, एक चूजे से भी कम खाता हूँ और एक गाय से भी ज्यादा मेहनत करता हूँ। इस पे अब दुवे ये कहते हुए कि हमें किसी पेट रैट्स की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमारे पास काफी सर्वेंट्स है। यहाँ दुवे 3 गिनता है और यहाँ हुसैन अपनी तलवार निकालता है और उसे किल करने वाला होता है कि वो चूहा उन्हें बताता है कि मैं भी तुम जैसा ही एक ह्यूमन हूँ जो कि रूप बदल सकता है और मेरा इंसानी नाम गैमल है। इसे सुनते ही वे लोग हंसने लगते हैं और उन्हें याद आता है कि ये जो गैमल होते हैं वो तो 8 लेवल के मैजिशियंस होते हैं। बहुत साल पहले वो गैमल ही था जो कि उस मैजिक गिल्ड का डायरेक्टर हुआ करता था। इस पे दुवे को यहाँ पे यकीन नहीं होता है कि ये जो चूहा है वो देखने में इतना घिनौना है, फिर भी ये एक ग्रेट मैजिशियन क्लैन से है। जिसपे हुसैन उसे हूँ कहते हुए बताता है कि ये जो क्लैन होते हैं वो मैजिशियन के ऐसे क्लैन होते हैं जो कि काफी वीकेस्ट और कायर होते हैं, इसलिए हिस्ट्री ने इन्हें 2 ग्रेट निकनेम्स दिए हैं। 20 साल पहले इनके जो इम्परर हुआ करते थे वो काफी पॉपुलर थे, लेकिन अपनी कायरता की वजह से इन लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी खो दी। जिसपे वो मैजिशियन चूहा उन्हें बताता है कि मैं काफी अच्छी तरह से शेप शिफ्टिंग कर सकता हूँ, मेरी ये जो स्किल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो दुवे उसे कहता है कि तुम्हारी ये जो स्किल इतनी ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल थी तो तुमने इस जैसे भद्दे चूहे के रूप में आना क्यों पसंद किया। जिसपे वो चूहा यहाँ पे उनसे फिर से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और ये बताता है कि ये सब मेरी गलती नहीं बल्कि हमारे क्लैन के ग्रेट मैजिशियन एजिस की गलती है। इसपे अब दुवे के ये पूछने पर कि आखिर ये एजिस कौन है, यहाँ वो रैट उसे बताता है 20 साल पहले उसने अपने एम्परर एजिस को ही फॉलो करते हुए यहाँ तक आया था, फिर उसका सामना उसी इविल आई टैरेंट से होता है जो कि उस फाउंटेन ऑफ यूथ को गार्ड कर रहा होता है। उसने ही यहाँ सभी को स्टोन का बना दिया था, लेकिन वो जो चूहा है वो किसी भी तरह से उससे बचते हुए भाग निकला क्योंकि वो तुरंत ही एक चूहे में ट्रांसफॉर्म हो गया था और अपनी आंखें नीचे करते हुए वो उससे बचते हुए भाग निकला था। इसमें डैनियल उससे कहता है कि कहीं ये इविल आई टैरेंट वही तो नहीं जिसे सभी लोग गोल्डन आई पैथन भी कहते हैं, आंखों में एक बार देखते ही सारे लोग पत्थर के हो जाते हैं। इसमें वो चूहा उन्हें बताता है कि ये दोनों अलग है और वो वॉरियर इविल आई टैरेंट कोई गोल्डन आई पैथन नहीं है और वो गोल्डन आई पैथन की मॉन्स्टर सीरीज की सबसे एडवांस लेवल की मॉन्स्टर है जिसका नाम क्वीन मेडुसा है। इस मेडुसा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होता है कि देवी एथेना ने उसे श्राप दिया था, उसकी खूबसूरती ही उसके दुश्मन बन जाएगी और वो जिसे भी अपनी आंखों से देखेगी वो पत्थर का हो जाएगा। तो गाइज आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर जरा से भी पसंद आई हो ना तो इसे जरूर से लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी इस आवाज की इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।